सुगाना थाना क्षेत्र के गांव जोगिया खेड़ा में कुछ दिन पूर्व हुई व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व अपनी सीमेंट की दुकान पर घर से वापस लौट रहे राफे खां की ओर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसको लेकर गांव में रोष था और पुलिस लगातार मामले का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताया कि रफी खान की हत्या उसी के साझेदार व्यापारी 20 लाख का घाटा होने पर की थी। जिस घटना को हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये 17 जनवरी घटना है। ये जोगिया खेड़ा का निवासी रफी खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसकी व्यवस्था कोतवाल साहब द्वारा की जा रही थी। तो उसमें हमने जो लोग गिरफ्तार किया, पुलिस मिटमोड भी गिरफ्तार किया 3 लोगों को, और उसमें मोटिव मर्डर जो था वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, क्योंकि मृतक और जो दिलशाद है इसका साझेदारी थी मुर्गीदाने में, सीमेंट में। मृतक का दिलशाद में 20 लाख रुपये बकाया था, इसलिए इसने प्लानिंग किया था, उसके शामिल हत्या में उसकी हत्या कराई इसने। 3 लोग गिरफ्तार हैं, इकराम और मेहताब और दिलशाद, और इनके पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 12 बोर और CMP 12 बोर बरामद किया गया है। सूत्र द्वारा पता लगा सर, मोबाइल द्वारा खुलासा हुआ है सर? हाँ हाँ, इसमें तो हमारी टीम लगी थी, कोतवाल साहब टीम लगी थी, और इन्होंने बहुत ही मेहनत से बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट किया है, क्योंकि हमारा चैलेंज था, इससे शांति व्यवस्था भी हमारे थोड़ी प्रभावित हो रही थी। तो ये कोतवाल साहब, इनकी टीम जो है, इनके लिए बधाई है। इनके लिए रिकवरी क्या है? रिकवरी ये 3 तमंचा है और कारतूस है। सर कोई टीम को इनाम भी दिया जाएगा सर? हाँ हाँ, टीम रिकमेंड किया जाएगा, नाम के लिए रिकमेंड किया जा रहा है।